श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्माशना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अवध्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं अविद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोग एक बार कंफर्म करना ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। आनंद कंदम पापवृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, आज की क्लास हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को नमस्कार। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव भव, ऋषि भव, कीर्तिमान भव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी लोगों का कल्याण हुए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर बताइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। और हम कलर ले लें, पेन कलर। चल ठीक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ जो स्वर है, उ स्वर का उच्चारण स्थान होता है। उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो आप लोग क्या पढ़े हैं कि उ है तो होता उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ अर्थात उ का और पु, पु मतलब पवर्ग। उ का पवर्ग का और उपधमानीय का और किसका उपधमानी और किसका यह उ के पूरा जो 18 रूप होते हैं से सबके क्या होता है उपधमानिया नाम ओष्ठौ। तो इसका क्या होता है ओष्ठ हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। री स्वरस्य उच्चारण स्थान भवति। जो ऋश्वर वर्ण से उच्चारण स्थान भवति, ऋश्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा इस प्रश्न का बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग सारे प्रश्न का उत्तर दें और ध्यान से जो उसके पीछे हम सूत्र बोल रहे हैं उसको भी एक बार दिमाग में बैठाते चलें। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार आते रहते हैं, ठीक है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो फिर क्या, तब क्या करोगे ना? तो ऐसा क्वेश्चन को आगे छोड़ के नहीं बढ़ना है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा ऐसा सूत्र लिखा जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। आज दूसरे एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़े से लिखने में टेढ़ा मेढ़ा सेट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अभी हम इसको सही करते हैं, कोशिश कर रहे हैं सही लिखने लगे, ठीक है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा रिवर्ण का, ये जो री है इसका टठ का
र का और ये मूर्धन्य स, इसीलिए इसका नाम है मूर्धन्य स। ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से, क्या है? च वर्ग से उच्चारण स्थान भवती, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो चुयशा नाम तालु। आप लोग, मैं बताते चल रहा हूं, आप लोग सुनते चलो, क्वेश्चन का आंसर करते चलो। ठीक है, क्या हो जाएगा? इचु यशा नाम तालु। ये सूत्र क्या है? ऐसा इचु यशा नाम तालु। ठीक, तो ई माने ई और दीर्घ ई दोनों का यही होता है। चु मतलब च वर्ग, च छ छ इन सभी का, और य का और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसीलिए कहा जाता है इसको तालव्य श। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इचु यशा नाम तालु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, बालक शब्द से तृतीय वचने रूपम भवते। कल कोई लास्ट टाइम में कहा था कि गुरुजी जो है एक गीत जो है आप गाते हैं, फूल तुम्हें भेजा है वाला गा दीजिए। आज उसको मैं जरूर गाऊंगा, आज उसको मैं जरूर गाऊंगा, अभी गाऊंगा। कब गाऊंगा? अभी गाऊंगा। क्या है? सभी लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से स्टोन में लगा कर करके अपना शब्द रूप को तैयार करते रहिएगा। जैसा मैं बताया हूं कि अकारांत पुल्लिंग के लिए बहुत ही अच्छा टोन है यह। क्या? कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, और फूल ही तो मेरा दिल है, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। तो बालक शब्द का तृतीया, तृतीया के एक वचन पूछ रहे हैं। तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय, तो केन केण और केन में दिक्कत लोगों को होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है, सभी लोग बी करेक्ट कर भी रहे हैं। तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। श्यामः श्यामम श्यामेण श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। तो यह आप टोन बनाइएगा और उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 में कह रहे हैं, पितृ शब्द से द्वितीया के बहुवचन रूप में। ध्यान देना, द्वितीया के बहुवचन में पूछा जा रहा है। बहुवचन वाला हमेशा दीर्घ रूप में प्रयोग होता है, इतना ध्यान देना। अक्सर करके जितना भी अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, वो जो क्वेश्चन जो बहुवचन वाले, वो आपके दीर्घ रूप वाले ही पूछे जाते हैं। और उसमें भी हम आपको बता दें, सप्तमी का पूछा जाता है, षष्ठी का पूछा जाता है, पंचमी चौथी दोनों समान होता है, भय भय के रूप में चलता है तो पूछा जाता है। कभी कभी तृतीया द्वितीया, और इसमें जैसे पितृ शब्द का द्वितीया पूछा जाता है, ऐसे नदी शब्द का भी द्वितीया ही पूछा जाता है। गुरु शब्द का कभी कभी जो है हमको लगता है कि तृतीया में पूछ देते हैं, अदरवाइज सबका एक वचन ही पूछते हैं। अगर हम इसका एक वचन गाएं तो क्या गाते हैं? अगर पितृ शब्द का ऋकारांत पुल्लिंग एक वचन में अगर हम गाएं तो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं? कि उठ बरनी जाग जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, उठ शालिनी जाग जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, उठ स्वाति चल जल्दी तुम्हें पढ़े जाना है। अच्छा ठीक है, आयुष्मान लो, कल्याण मस्तु। क्या करेंगे? पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितर। तो आप वो एक वचन के लिए है, और द्विवचन वाले में आप देखोगे दो तीन दो चलता है, दो तीन दो, प्रथमा और द्वितीया एक छोड़ेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा, भ्याम 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 वाले, फिर षष्ठी सप्तमी एक जैसा, और फिर आपका जो संबोधन वाला प्रथमा हो जाता है। लेकिन बहुवचन के केस में कुछ सबके बहुवचन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ के बहुवचन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पितृ शब्द द्वितीया के बहुवचन में, और मैं बता रहा हूं कि यह दीर्घ वाला पूछा जाता है, तो पितुः नहीं पितरा नहीं, दीर्घ, यह ध्यान देना। कहीं कहीं लिखा होता है पितृन, और कहीं कहीं लिखा होता है पितृन, तो जो दीर्घ वाला है ना, यही पूछा जाता है, यही है करेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा।
और ऐसे ही कई जगह भी नदी के कृष्ण में आएगा, वहां भी कभी बहुवचन पूछा जाता है तो वहां भी दीर्घ ही होता है। मतलब एक तरीके से अगर आपको अंदाज भी लगाना है तो आप दीर्घ वाले पर ही लगाइएगा, ठीक, बहुवचन में रहता है तब वो सही हो जाता है। एक होता है सर्वनाम में अश्मद और एक होता है युष्मद। तो अश्मद वाला जैसे अहम अवाम वयम वाला चलता है ना, तो अहम वाला चलता है अहम माम मया मह्यम, ऐसे ही युष्मद माने तुम के लिए चलेगा पंचमी के एक वचन में। देखो ज्यादातर एक वचन में ही पूछा जाता है, ज्यादातर एक वचन में ही पूछा जाता है। अब एक वचन में अगर यहाँ भी पूछ दिया गया तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या बनेगा, ज्यादातर एक वचन पूछा जाता है। चलो सभी लोग महादेव महादेव, सभी लोगों को नारायण श्री हरि। बताओ इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 36 में युष्मद का पंचमी के एक वचन में युष्मत युष्माभ्यम त्वत त्वयी, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, करेक्ट आंसर देना, सीधा उधर अंदाज वाला नहीं। सी करेक्ट होगा, क्या बनेगा, त्वत। और सबको मैं बता दूं कि यह अश्मद का और युष्मद का ये दोनों का जो है शब्द रूप कम से कम 5-7 दिन लगातार केवल आप एक बार वाचन कर लीजिए, बहुत कुछ आपका स्वयं ही अपने आप स्वतः ही बनने लगेगा। अब देखो यह क्वेश्चन जो है ना कारक पर आधारित है, ठीक, किस पर आधारित है, कारक पर आधारित। और कारक जो लोग हमसे पढ़े हैं या जो लोग पढ़ रहे होंगे कहीं, उनको पता होगा कि कारक कितनी मजेदार चीज है। संस्कृत में अगर सही कुछ है तो अनुवाद वगैरह के साथ में अगर देखा जाए संस्कृत का पूरा चीज, तो वह कारक ही जबरदस्त है। क्यों, और इसलिए मैं बताता हूँ बार बार, क्या कि संधि पढ़ला समास पढ़ला और कारक पढ़ला कि नहीं, बताओ तू का का पढ़ला, बताओ तू का का पढ़ला। और कारक में दम्बा और वाच्यत कम्बा और विभक्ति कबा सारा खेल, बताओ तू का का पढ़ला, बताओ तू का का पढ़ला। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाय लंब सट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाय लंब सट योगाच। अगर आप कहेंगे नमः के योग में गुरुवे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा उसी तरीके से वहीं से आया है, ठीक, मतलब इसीलिए पूछा ही गया, अदरवाइज वो गुरुवे ना पूछ कर करके कुछ और भी पूछ सकते थे, कुछ और भी पूछ सकते थे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरोह गुरोह गुरौ हे गुरु। तो यहाँ पे जो गुरुवे पूछा गया ना वही याद है, तस्मै श्री गुरवे नमः, चतुर्थी एक वचन गुरवे ही पूछा जाता है, नमः संस्कृताय। तो संस्कृत संस्कृताय में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन लगा, क्यों, नमः के साथ में आने से, ठीक, ऐसे था गुरवे नमः, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन डॉक्टर नहीं गया 37-38 आओ, दृश्य धातु के लिट लकार, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट है, लिट लकार, लिट लकार का क्या मतलब होता है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूत काल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थ, और फिर क्या जगह, विधि लिंग चाहिए के लिए। तो ये पांच ही आपको बार बार प्रयोग करने के लिए आता है, लंग लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूत काल और लिट लकार भविष्यत काल। दृश्य धातु का याद कर लेना, दा धातु का प्रथम पुरुष एक वचन भी याद कर लेना, जो ददति बनता है, ऐसे कुछ जगहों पर कुछ अलग टाइप के बन जाते हैं जिसको आपको याद करके चलना पड़ेगा। आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव कल्याण वस्तु, ठीक है। चलिए अंबेडकर नगर से आप बिल्कुल बिल्कुल अंबेडकर नगर वालों को भी आयुष्मान भव कल्याण वस्तु, ठीक। और अच्छा सभी लोग कहाँ से हैं, इसके लिए आप मैसेज जरूर कर दिए हैं, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, या फिर जो नंबर स्क्रॉलिंग में स्क्रॉलिंग नंबर लगाए हैं कि नहीं, आज स्क्रॉलिंग में जो नंबर देखो, रुक जाओ सेकंड भर, नहीं तो मेरा है सॉरी, शिक्षा मित्र कहाँ, ये वाले नंबर पे जो है आप नीचे जो है चल रहा है इस वाले नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले नंबर पे आप जाकर के निश्चित तरीके से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। तो अब एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, क्योंकि मैं जो क्लास लेता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं काशी वाराणसी से लेता हूँ, और जो पूरी टीम बैठी है वो जौनपुर में बैठी है, तो जौनपुर से और सर कहाँ से क्लास लेते हैं ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से लेते हो या फिर जौनपुर से ही लेते होंगे, तो नहीं बता सकते। मैं ये अपनी जो लाइव क्लास है इसी चैनल पर आप लोगों को वाराणसी से डेली लाइव होती है, ठीक है, यह आकाशवाणी का या लर्निंग विद दुर्गेश का वाराणसी केंद्र है, ठीक है।
यहाँ से हमारी ये क्लास लाइव होती है। अच्छा सीतापुर, आजमगढ़ से बहुत सारे लोग हैं, लखनऊ से, लखनऊ से, गाजीपुर, गाजीपुर तो गाजीपुर में कहाँ से हैं आप लोग, भविष्य काल। चलिए आजमगढ़ और गाजीपुर वाले बहुत ज्यादा हैं, महाराष्ट्र से। चलिए शुक्ला जी आप बहुत अच्छा, चलिए नारा बड़ा अच्छा, सभी लोग एक बार बता दिया कि संपर्क में रहा जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि इतना करके तीन थरिया भगवान खाने के लिए बैठ जाएंगे और फिर आप लोग भाग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे जुड़ाव बना रहता है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से जो राइट आंसर है इसको देखो, तो क्या हो जाएगा, दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या बन जाएगा, प्रश्न संख्या 38 और 38 का उत्तर आप सभी लोगों ने क्या कर दिया, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। शेव धातु, ये भी इंपॉर्टेंट धातु, कुछ धातुएं जो सिलेबस में रखी गई हैं या ये कहो कि बार बार आपके लेवल में पूछी जाती हैं, ऐसे धातुओं का मैं बार बार प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए जौनपुर वाले भी बढ़िया हैं, जौनपुर वाले तो क्या बोलते हैं ऑफलाइन भी होंगे। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए बलिया भी बढ़िया है, बलिया, आजमगढ़, उन्नाव, लखीमपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और कुछ मतलब बहुत सारे लोग एक मतलब कुछ ही फिक्स जिले से ज्यादा ज्यादा लोग, पूरे सभी वगैरह से नहीं है। और अभी जो हमारी सेना मध्य प्रदेश वाली है वो अभी नहीं आ रही है, थोड़े गुस्से में भी चल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले, सर मेरा नहीं करवा रहे हैं, क्या करें, उनका खिसक जा रहा है एग्जाम है बार बार, तो क्या। ठीक है, तो चलो शिव धातु का लंग लकार, लंग लकार क्या हो जाएगा, भूतकाल, भूतकाल के उत्तम पुरुष के एक वचन बताओ, प्रथम पुरुष के तीन हो जाते हैं, मध्यम पुरुष के तीन हो जाते हैं, उत्तम पुरुष का एक हो जाता है तीनों, तो उत्तम पुरुष का एक वचन माने यहाँ वाला पूछा जा रहा है, अशेवत, अशेवंत, अशेवे, अशेवधा, अशेवथा। तो प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा अशेवे, क्या हो जाएगा अशेवे। हमको मालूम है कि आप लोगों का धातु रूप थोड़ा अभी नहीं बन पा रहा होगा, ये आप ही का नहीं, बहुत सारे लोगों का, टीचरों का भी, बहुत सारे लोग, क्योंकि सारे धातुओं को हम लोग तो याद नहीं करके चलते हैं ना, जो आता रहता है वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा काशी से ही आप लोग हैं, मूली प्रसिद्ध है, कहाँ मूली प्रसिद्ध है भाई। चलिए गोरखपुर भी हो गया, मथुरा भी हो गए, बलिया भी हो गए, बताए तो मैं काशी वाराणसी से हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, आप लोग बता सकते। अच्छा बिरला हॉस्टल से, तो बिरला हॉस्टल में भी तो मैं कल या परसों आऊंगा, बिरला में परसों आऊंगा, पक्का है बिरला में परसों आऊंगा, कल नहीं परसों जरूर आऊंगा, कल नहीं परसों, हाँ एग्जैक्टली, आज कल में आने वाले थे बट समय नहीं मिल पाया, हो सकता है परसों ही आए, तो बताइएगा, बिल्कुल मिल लिया जाएगा, आपसे भी मिल लेंगे भाई, आप तो सबसे अब नजदीक में मिल गए हैं लग रहा है, सबसे पहले आप ही से मिलेंगे क्या इस ग्रुप में। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पा धातु विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति, पा धातु का विधि लिंग लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप क्या होगा, क्या होगा, विधि लिंग माने चाहिए के अर्थ में, ठीक, तो क्या होता है, पिबेत, पिबेत, पिबेतम, पिबेमा। अच्छा एक चीज, हम एक चीज अभी को नोटिस किए हम यहाँ पर, कि जब हम इस वाले विंडो पे क्लास ले रहे हैं तो ये जो ईरर वाला अगर रेड वाला है तो वो आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी को पता चला कि मैं इस पर क्यों नहीं लेता था, चलो कल से इसको हटा देंगे। तो पा धातु विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति, इसमें कौन सा रूप होगा, तो ध्यान देना, एत एताम एयुः, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीव, शुभ, कीर्तिमान भव, बस्ती से भी है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर क्या राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग, राइट क्या करोगे, पिवेत, पिवेत ए हो जाएगा, या फिर मान ये दोनों में से इसी में से किसी में होना चाहिए, थोड़ा अगर बढ़ाए तो कट रहा है क्या, कितना कट रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार अगर हम इसको इधर कर लें तो साथ बढ़ जाएगा, साफ दिखेगा कुछ, हाँ अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो पा धातु पिवेत तो ए वाला करेक्ट है, ठीक है, बी वाली आपसे पिवेत, ठीक है, हम पहले हम भी सोचते थे कि पिवेत तो अलंत वाले में, पर देख करके अच्छे से करते रहना, पिवेत, पिवेताम, पिवेयुः, देखो इसमें कई धातु रूप पूछ लिए गए ना, अस धातु लिट लकारे माने भविष्य काल में, बताओ एक वचन में रूप क्या होगा, अक्सर करके प्रथम पुरुष एक वचन का ही ज्यादातर पूछा जाता है, इसको बताओ, अमरोहा, ओ एक्चुअल में मैं हो सकता है सुबह में आऊंगा और दिन में 12-1 बजे तक इधर आ जाऊंगा क्योंकि फिर शाम को 4 बजे क्लास होगी। हाँ बिरला में किस न, कितने नंबर में आना है बता दो, कितने नंबर में आना है, बीएचयू वाली बिरला ना, कोई और बिरला तो नहीं ना है। आज मैं क्या हुआ कि उसकी उसके जो है पेज को चेंज कर दिया हूँ, मतलब आज मैं सीधे पावर पॉइंट के जहाँ पे एडिटिंग वाली पेज होती है, जहाँ स्लाइड टाइप की जाती है, जस्ट उसी जगह पे मैं ले रहा हूँ क्लास, इसलिए उसको थोड़ी सी अब आज नहीं कर पाएंगे इसको सही,
इसको हम कल ही सही कर पाएंगे ना, कल ही सही कर पाएंगे। आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी सही जाती होगी, केवल थोड़ा थोड़ा अंदर दिख रहा होगा, माने जूम सही नहीं हो पा रहा होगा, सही चीज को कैप्चर नहीं कर रहा होगा, बहुत सारी एरियाज को कैप्चर कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन दिखेगा सही। असधातो लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति अस्ति भविष्यत भविष्यति भविष्यन्ति। अब लिट लिट मतलब क्या हो जाता है आपका, भविष्यत काल, भविष्यत काल में भी प्रथम पुरुष एक वचन, और जानते हैं भविष्यत काल का रूप जस्ट लट लकार जैसा चलता है, लट लकार जैसा ही वह चलता है, जैसे क्या होता है इष्यत इष्यतः भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः, ये जानते हैं ये अस धातु का भू आदेश हो जाता है, भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामि भवावः भवावः, इसी तरीके से भवामि भवावः भवामः, इसी तरीके से चलेगा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, तो वो इसी तरीके से चलता है। अर्थात अगर आप लट लकार याद कर लेते हैं तो लिट लकार आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा आजमगढ़ की कहां कहां का पता है आपको? हाँ बिल्कुल दिख सही रहा होगा, वो हमको एक प्रॉब्लम हो रही है आगे पीछे करने में, और आप लोग प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, हमको मालूम है, मैं क्वालिटी तो डाउन नहीं किया हूँ, क्वालिटी तो उतना ही जा रहा है, बट वो पेज केवल आगे पीछे हमको करने में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। जैसे अब इसमें दिख रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ रहा है, दिख रहा है, चलो अब इसमें अगर कहीं इरर टाइप हुआ होता तो वहां के नीचे रेड वगैरह की लाइन आ जाती है और कुछ है नहीं। ह व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति, ह व्यंजन का जो व्यंजन वर्ण है थ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा आप बताओ। पहले क्वेश्चन उच्चारण स्थान, प्रयत्न, समास, संधि, यही सब क्वेश्चन पूछा था ना इसमें, और ज्यादातर इस क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये क्या हो गया? हाँ नहीं ठीक है, दिख रहा दिख रहा, कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या पेज पे अभी को हमको कहें? हाँ ठीक, तो हमको दिख रहा है, हमको यहाँ भी ठीक दिख रही है, यहाँ भी ठीक है, ठीक चल। तो क्या राइट आंसर हो जा रहा है? सभी लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, डिटेल क्लास में जरूर उपस्थित हुआ कीजिए, ठीक है। थ, तो क्या होता है त थ द ध न, एक भी याद होगा काम बन जाएगा, नहीं याद है तो सूत्र याद करो, क्या ऋतु ल सा नाम दंता लि, तू तू मतलब तथा दधना ल और यह दंती स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंते होता है, क्या जो ऋतु ल सा नाम दंता, आप याद कीजिए, अपुह विसर्जनीया नाम कंठ इचु यशा नाम तालो ऋतु रसा नाम मूर्धा ऋतु ल सा नाम दंता, फिर उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ वकारस्य दंतोष्ठम ए दैतौ कंठ तालु ओ दौतौ कंठ ओष्ठम, अच्छे से कर करके पढ़ते चलोगे तो बहुत सारा जितने भी हैं सब आप बोल दोगे, तो सब डिटेल क्लास में आओ, एक एक चीज आप वहां से कर लोगे, ठीक है। अच्छा मरोहा का ढोला प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ से पूरा लिस्ट लेके बैठी हो क्या तुम है? पूरा कहाँ का क्या फेमस है, प्रयागराज का क्या फेमस है, और वाराणसी का बता देना और मिर्जापुर का बता देना, अगर पता है हमको भी पता चल जाए कि कितना सही बता रहे हो, जहां नहीं पता है वहीं बता रहे हो। चलो यहाँ कह रहे हैं बताओ क्या आएगा, सह बालक गच्छति, अच्छा यहाँ भी जो भी शब्द रूप में डालना है वह इन तीनों में से ही डालना, चारों में से ही डालना है, पिता पितरम पित्रा पित्रे, ठीक। अब यह कारक का नियम जिसको पता होगा वो उसको तो बता पाएगा, और जिसको नहीं पता होगा वह नहीं बता पाएगा, ठीक। अच्छा जौनपुर की मोली, अच्छी बात है, देखिए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा जीएस हमारा भी मजबूत हो जाएगा, हमारा थोड़ा जीएस कमजोर है, तो क्या हो जाएगा, सहसा कम सारधम समम तृतीया, सहसा कम सारधम समम तृतीया, तो यह सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयोग होगी, या पिता शब्द का तृतीया विभक्ति क्या लगेगा, तो फिर मैं एक बार गाऊंगा कि उठावरनी जागा जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, उठावरनी जागा जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे
पितुहु पितुहु पितरी है पिता, तो क्या हो जाएगा, पित्रा आया कि नहीं, पित्रा आ गया ना, पिता पितरम पित्रा पित्रा आ गया, यहाँ पे पित्रा रहेगा, पित्रा सह बालक गच्छति, मात्रा सह बालिका गच्छति, मात्रा सह बालक गच्छति, मात्रा सह पिता गच्छति, या पित्रा सह मात्रा माता गच्छति, ऐसे भी कह सकते हैं, पिता के साथ माता जाती है, माता के साथ पिता जाते हैं, माता के साथ बच्ची जाती है माने लड़की जाती है, या बालिका जाती है, या फिर माता के साथ बालक जाता है, ऐसे भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी अपने में भी लगा सकते हो, जिसके साथ लेना है उसमें तृतीया लगा देना, काम आपका बन जाएगा। अभी मैं रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाने के मूड में हूँ, अभी आगे हो सकता है कि रचनानुवाद कौमुदी के लिए क्लास निकालेंगे, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नौकरी के बाद तुमको कहाँ जाना है, नौकरी के बाद जिसको जाना वो देखेगा, ठीक है। सहयुक्ते या प्रधाने तृतीया, यह सूत्र है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सहयुक्ते या प्रधाने तृतीया, लेकिन हम उसके बारे में बार बार यही बात करते हैं, क्या कि सहसा कमशार्धम समम तृतीया, ऐसे बात करते हैं क्योंकि आता उसी के अर्थ में, ठीक है। चलिए, वाराणसी की पान बहुत फेमस हो गई है, जरूर आकर के खाई के पान बनारस वाला, पढ़ के संस्कृत गुरु जी वाला, देखे आया तू सुपर टेट, और दी है तू यूपी टेट, आगे बताव का होई, आगे देखा, आगे बालकेन मोदकम रोचते, बालकेन मोदकम रोचते, यहाँ क्या है, रुच धातु है, और रुच धातु के योग में जिसको पसंद होता है वहां कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति, यहाँ पर जो रेखांकित पद है बालकेन, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अर्थात बालकेन गलत है, सही क्या होगा, बालकम बालकाय बालकात बालकस्य, क्या होगा सही, बिल्कुल बिल्कुल, सशाकम सार्धम समम, सशाकम समम सार्धम है, उल्टा सीधा कैसे बना दे रहे हैं, सही बनाइए सीधे सीधे, ठीक है। तो बी कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक, गाते गाते न याद करवा दिए तो कहना, केवल क्लास में बैठे रहो, निश्चित तरीके से केवल कहते कहते याद करवा देंगे, इतना तो मान लेना, केवल कहते कहते याद करवा देंगे, एकदम पक्का बता रहे हैं, इतनी बार हम दोहरा देते हैं कि आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, अभी तक कोई इसका सूत्र नहीं लिखा, आह वाह क्या बात है, चाय भी बहुत बढ़िया है, ये बताओ अभी तक कोई सूत्र नहीं लिखा, सूत्र क्या होगा, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच धातु के अर्थ में जो प्रियमाण हो अर्थात जिसे अच्छा लगता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बालकाय, तो यहाँ पर बच्चे को अच्छा लग रहा था, मोदकम माने लड्डू, ठीक है, तो यहाँ पे बालक क्या हो जाएगा, चतुर्थी में प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृपः दुर्जनम क्रोधयति अरिपाप क्रुद्ध दुहेर्षा असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, अब बताओ कौन सी भक्ति होगी, सूत्र भी बोल दिया, सूत्र भी बोल दिया, रुच्यर्थानाम प्रियम माणः, चले बहुत अच्छा, चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा फास्ट करने से आप ही लोग पलटने लगते हैं, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे कमजोर हैं बेचारे, उसी से चलते हैं, देखो तो रुच्यर्था नाम प्रिय माड़ हो गया, यहाँ क्या है, क्रुद्ध धातु, क्या था, क्रुद्ध दुहेर्षा असुअर्थायाम असुअर्था नाम यम प्रतिकोप, क्रुद्ध द्रोह यर्षा और जलन के केस में जिसके ऊपर किया जाए वह क्या हो जाता है, उसमें चतुर्थी भक्ति लगती है, तो क्या हो जाएगा, दुर्जनाय दुर्जन दुर्जनम दुर्जनेन दुर्जनाय दुर्जनात दुर्जनस्य, अब यहाँ देखो अभितः परितः योग विभक्ति भवति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभितः योग विभक्तिर भवति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतियोग विभक्ति ही भवति, तो अब इसमें बताओ अभितः या परितः, अभितः परितः समयानिकसाः प्रतियोगेपि, धिक के भी योग में आएगा, फिर अंतरांतरेण युक्ते ये भी इसके भी योग में आएगा, उभयतः सर्वतः इसके भी योग में आएगा, क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्या लगेगी, द्वितीय, ठीक, क्या कहेंगे, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं, ऐसा भी कर सकते हो, परितः भी कर सकते हो, ग्रामम परितः वृक्षाः, ग्राम के चारों ओर, चारों मतलब परितः मतलब चारों ओर वृक्षाः सन्ति, ऐसा भी कर सकते हो, जो भी आप हैं,
जिस तरीके से बना सकते हैं। क्या सूत्र लगेगा? अभितः परितः समयानिक साहा प्रतियोगेपि। आगे देखना, नायक इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नायक इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा, साथ ही साथ आप लोग संधि का नाम भी बता देना, ठीक है। वो कौन गया भाई, बिरला हॉस्टल वाला बोला नहीं, फिर गायब ही हो गया। क्या नाम था, नाम भूल गया, किस नंबर में जाना है भी नहीं बताया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कर रहे हैं कि नायक बना है तो ने धन अकह या नय धन अकह या नो धन अकह या नव धन अकह। तो मैं आपको बता दूं, सूत्र है एचो अयवा यावह। एच क्या है, एच एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण आते हैं ए ओ ऐ और अ। ये कहता है कि ए का अय में फिर अव आय आव क्या बन रहा है, आय हो रहा है, नाय आय अय वाला बनेगा। अब बताओ ने बनेगा नहीं, नो बनेगा नहीं, नव बनेगा नय बनेगा, ठीक। क्या बोलते हैं, एचो अयवा यावह, जब एच के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए तो यह एच जो है अय अव आय आव में बदल जाता है संधि का नाम, आदि संधि होगा। आगे चलते हैं, इति धन अपि अत्र संधि भविष्यति। अब बताया संधि कार्य करने के बाद में क्या होगा, क्या होगा, किस दूसरे जोन में, मैंने समझ पाया किस दूसरे जोन में, किस जोन में, हमारा जोन तो यही है 82.5 डिग्री के आसपास हम रहते हैं। जब कहीं न आवे समझां हमारे क्लास आ जाना जी नमस्ते प्यारे, आ जाना जब कहीं नहीं आवे समझां हमारी क्लास आ जाना। चलो देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, ये बता रहे हैं। तो इति धन अपि, यहाँ ई है, यहाँ पर अ है, और सूत्र लगता है ई को यणची। क्या लगता है, इको यणची। कहते हैं जब इक के बाद में अच, अच का सप्तमी विभक्ति लगा है यहाँ पर, इसलिए अच ही हो गया। जब कभी भी सप्तमी लग जाता है तो परवर्ण कहा जाता है। तो जब इक के बाद में परवर्ण अच मतलब कोई स्वर आए, अब कोई स्वर मतलब असमान स्वर आए, तब क्या हो जाए, यण हो जाए। अब यण क्या होता है, इक प्रत्याहार में ई ऊ री लि, ये चार वर्ण आते हैं, ठीक। अयण प्रत में आते हैं य व र ल, ठीक, हलंत के साथ होता है, ठीक है। ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ ई का य हो गया, य अ से मिल गया तो य बन गया, इसीलिए अगर यहाँ आ होता तो इत्यापि बनता, लेकिन आ नहीं अ है, इसलिए इत्यापि बना है। क्या बना है, इत्यपि बना है, इको यणच सूत्र से यहाँ पर बना है। और समय देंगे तो थोड़ा अच्छे से और लिख करके समझाएंगे, सूत्र तो बता दिए, जो लोग पढ़े होंगे वो समझ में। वागी सह अत्र संधि अस्ति, वागी सह शब्द में बताओ कौन सी संधि हुई है। नहीं जो आपका का के पढ़ाते हैं, का के पढ़ाते हैं, गा के पढ़ाते हैं, उसे गा के पढ़ाते हैं, का के पढ़ाते हैं। चलिए, अद्भुतम 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 क्लासम। चलो भाई सभी लाइक कर दो, सब कम से कम लाइक करो, 45 लाइक होकर रुका है अभी तक, 75 लोग देख रहे हो, क्या बात है, कोई द्रोह है, कोई असूय है मुरे साथ में आपका, हा? क्या बात करते हैं। वागीशह वाक धन ईशह बराबर वागीशह, क चला गया है ग में, किस प्रत्याहार का वर्ण है, तो यह जश प्रत्याहार का वर्ण है, इसमें आता है जब ग ड द, और ये जब पांचों वर्ण माने तृतीय अक्षर जो है, तृतीय वर्ण जो है उसमें रखे गए हैं, तो क्या हो जाएंगे, तृतीय वाले एक जगह रखे गए, क्या हो जाएंगे,
जस प्रत्याहार में, और जस प्रत्याहार में रखे गए जस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस तो संधि, क्या हो गया, जस तो संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति, इसे बताओ संधि विच्छेद क्या होगा। वनौषधि बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामना रायणम जानकी वल्लभम। ये क्या है, यह है वृद्धि, और क्या है वृद्धि अर्थात वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र क्या कहता है, वृद्धि रेचि, क्या कहते हैं, वृद्धि रेचि अर्थात एच जो होता है उसका वृद्धि हो जाता है, अर्थात ए ओ ए और अ को क्या करना है, वृद्धि करना है ना, यही है ना, जब इसके अ या आ के बाद में ए आए तब इन दोनों का मिला के अ कर देना, ये दोनों आएंगे तो मिला करके अ कर देना, इसका मतलब अ या आ के बाद ओ या औ आया होगा तभी यह बना होगा, तो वन सही रहेगा कि व ना सही रहेगा, अ या आ ही आना चाहिए, तो वनो नहीं लेंगे, वनो नहीं लेंगे, वने नहीं लेंगे, वन में बेचारा अकेला ही बचा, तो वन धन औषधि ही, और औ के साथ वृद्धि बनेगा, वन धन औषधि ही क्या बन जाएगा, सी, ठीक, वन धन औषधि ही ये बन जाएगा कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामना रायणम जानकी वल्लभम ओम श्री हरि। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान भवति, प्राय उत्तर पद का अर्थ जब प्रधान होता है तो क्या होता है, पूर्व पदार्थ, जब पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है तो क्या होता है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, जब पूर्व पद का अर्थ प्रधान तो अव्ययी भाव समास, जब उत्तर पद का अर्थ प्रधान तब तत्पुरुष समास, जब दोनों का अर्थ प्रधान तब द्वंद्व समास, जब दोनों का नहीं प्रधान तब बहुव्रीहि समास, मतलब तीसरे का प्रधान होने लगता है ना, तीसरे को इंडिकेट करने लगता है तब बहुव्रीहि हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तो क्या होना चाहिए राइट आंसर, सभी लोग एक बार चैट करके कटाक्ष से बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, तो तत्पुरुष समास, जयकारा नहीं लगाओगे तो फिर मान के चलो फिर तब कपारे पाप चढ़ रहा है, जल्दी से आंसर बता दिया करो, बी करेक्ट है, ठीक है, आगे देखते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नीलोत्पलम अश्विन पदे समास अस्ति, नीलोत्पल जो है नीलोत्पलम, हालांकि यहाँ अलम लग गया है ध्यान देना, नीलोत्पल नहीं लिखा, नीलोत्पलम नीला उत्पल के साथ का बात कर रहे हैं, इस पद में समास क्या होगा, प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पीताम्बरह और पीताम्बरम, तो पीताम्बरम की तरह नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम क्या हो जाएगा, कर्णधार है, नीला उत्पल से मतलब यहाँ नपुंसक लिंग का यहाँ बोध करने लगे, जैसे पीताम्बरम पीतम अम्बरम उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुव्रीहि नहीं होगा वहां, अधिहरि अश्विन पदे समास, समास छाटना बहुत आसान, पहले आप अव्ययी भाव समास देखो, फिर आप द्विगु को देख लो, द्वंद को देख लो, उसके बाद आपको मन करे तो आप फिर बहुव्रीहि को भी उसी समय सफरा लो, तब न आए तब आओ आप कर्मधारय और तब तत्पुरुष, मैंने तत्पुरुष में आओगे तो दोनों उसी जगह मिल लेना सबसे। अधिहरि अश्विन पदे समास अस्ति, तो अधि यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग युक्त जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होता है, क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, राम कृष्णौ अश्विन पदे समास विग्रह अस्ति, राम कृष्णौ, राम और कृष्ण अविच्छेद या विग्रह, विच्छेद नहीं विग्रह आप करोगे, सभी को राधे राधे, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, राधा रानी आई है कि नहीं क्लास में, कोई राधा रानी हो तो बता दे, हमारे क्लास में पहले एक बिहार वाली राधा रानी आया करती थी, अभी पता नहीं कहाँ है। राम कृष्णौ अश्विन पदे समास विग्रह अस्ति,
तब बताओ राम च कृष्ण च, रामम च कृष्ण च, रामेण च कृष्णेन च, या राम च। फिलहाल राम च तो गलत हो जाएगा, तृतीया में नहीं होता है, द्वितीय में नहीं होता, यह प्रथमा के साथ होता है। ध्यान देना, यह होता है राम च और कृष्ण च, और कभी कभी सॉरी क्षम्यता यहाँ विसर्ग लगा लो, कभी कभी क्या होता है यहाँ रामश्च लिख देते हैं, तो यह विसर्ग जो है चकार के उपयोग में, पहले यहाँ तो विसर्जनीय सूत्र से यह जाता है इस सकार में, यह सकार के बाद में तो चुनाच्यु सूत्र से स्चुत संधि हो जाता है कि सकार या त वर्ग के बाद में सकार या च वर्ग आए तो यह दंती स से तालव्य स में बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रामश्च, ऐसे ही इसी तरीके से यह विसर्ग पहले सकार में जाता है, फिर यह सकारी सकार में चला जाता है, हो जाता है कृष्णश्च। मतलब अगर यह भी लिखा रहे तब भी सही है, रामश्च कृष्णश्च भी लिखा तो सही है, या फिर रामहच कृष्णहच होना चाहिए। कहीं कहीं लिखा होता है सीता च रामहच ऐसा, तो रामस अगर लिखे हम यहाँ पे, अगर मान के चलो रामहच लेकिन सीता च लिखेंगे ना, अब यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे रामश्च सीता च। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ सकार क्यों नहीं आया, अरे बेटा यहाँ विसर्ग नहीं होता, उस विसर्ग से सकार और सकार से फिर सकार होता है तब जाकर क्यों लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बुद्धिमान जन हैं अभी भी, उनको समझ नहीं आया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आओ आगे देखते हैं, कथित अत्र धातु प्रत्ययश्चस्तः, करे बताओ इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय होगा। हाँ कम एक बार लाइक करें, चार बार लाइक ना करें, एक बार लाइक करें, ठीक है आगे बताओ। बिल्कुल याद करते हैं राधा रानी, बड़ा याद करते हैं कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गैरों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग ए और कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, देखें क्या प्रश्न है। कथित अत्र धातु प्रत्ययश्च, तो पहले आप ये चेक कर लो बेटा कि इसमें कौन सी धातु है। कथ धातु सभी जगह है, सभी जगह सेम रूप में दिया गया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रही बात इसमें कि कौन सुनेगा, एक तमतु जो है ना, तमतु इसका तवत शेष बचता है, ठीक, तो यह सही नहीं है। सानच का आन शेष बचता है, यह भी नहीं सही है। सत्री का अत शेष बचता है, ये भी नहीं सही है। कथ का त के साथ में यहाँ इट, इट का जो होता है इट है ना, उसका आगम हो जाता है तो क्या हो जाती है यहाँ पर कथित बन जाता है, ठीक है, क्या होता है कथित। छात्रेषु मोहनः पटुतमः, एक होता है तमप एक होता है तरप ना, तरप तमप, ये दो प्रत्यय हैं, ठीक, ये दो प्रत्यय हैं घसंज्ञक वाले। अब यहाँ पर कहा जाए कि जो दो में से एक को अगर अच्छा बताना हो तब ए लगाओ, और जब सभी बच्चों में से सबसे अच्छा बताना हो तो तम लगाओ। यहाँ लिखा पटुतम, छात्रेषु छात्रों में मोहन क्या है पटुतम, पटुतम। अभी चेक कर लो कि कौन सा प्रत्यय लगा इसमें से, दोनों में से एक में हो ही गया। छात्रों में मोहन क्या है, बहुत चलाक है, बहुत बहुत चतुर है, ऐसा बी करेक्ट, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी लोगों ने तमप को पहचान लिया, तरप होगा नहीं, तमप होगा नहीं। त और तमत निष्ठा संज्ञक होते हैं, अभी नहीं है, तुमुन प्रत्यय सब सभी अव्यय होते हैं। फिलहाल यहाँ पे तुमुन से पठितुम चलितुम गंतुम इस तरीके का शब्द बनता है, तो भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 में मया पाठ पठनीय, मया पाठ पठनीय अहम माम मया मह्यम, तो क्या लगा अहम माम मया मह्यम, तृतीय के साथ लगाया पठनीय, अनियर प्रत्यय के साथ लगाया, किसके लगा है अनियर, चाहिए के अर्थ में ना, क्या हो जाएगा चाहिए अनियर प्रत्यय। अनियर में क्या होता है, जब आप हमारे साथ में पढ़ेंगे कभी प्रत्यय तो समझ में आ जाएगा, बड़े मजे में बताएंगे। जो अंतिम में हलंत वर्ण होता है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपस्य लोप हो जाता है, यहाँ साफ साफ बचता है अनीय पठनीय, ठीक है, शब्द क्या बनेगा पठनीय पठनिया पठनीयम, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग इस तरीके से बन जाता है पठनीय पठनिया पठनीयम। मोहन गेंद से खेलता है, किसे खेलता है गेंद से खेलता है, अब यही आपको पकड़ना है कि यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी,
मोहना क्रीडति योजना तो बात सही है, मोहना क्रीडति देखो सभी जगह सही भी है, केवल बात गेंद से में फंसती है कि क्या होगा, कंदुक कंदुकम कंदुके न कंदुकाय कंदुकात कंदुकस्य कंदुके, तो कंदुक बताओ कौन सा लगेगा। हमको लगता है कि आपको लगता है कि मैं सुल्तानपुर से हूँ, मैं सुल्तानपुर से नहीं हूँ, मैं सुल्तान मैं जस्ट काशी के बगल से हूँ, ठीक है। और अभी कौन बिरला हॉस्टल वाला था, देखो बोला नहीं, अभी मैं बोला अभी परसों ही, कल नहीं परसों या कल ही हो सकता है पहुंचूंगा, तब तक भग गया फिर, जैसे लगता है बिरला हॉस्टल में हमको एक लोग जानने वाले हैं, नारायण श्रीहरि, बहुत सारे पुराने बच्चे होते हैं निकल जाते हैं, और अब नए वाले आ गए हैं, तो आप लोग हैं भाई वहाँ हीरो बने होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहना मोहन गेंद से खेलता है, तो गेंद से में क्या लगाओगे, द्वितीय लगाओगे। देखो खेलने रूपी, जो खेलने रूपी क्रिया है वह जिसकी सहायता से संपादित हो रही होगी, तो जिसकी सहायता से संपादित होती है उसमें तृतीय विभक्ति लगता है, तो क्या हो जाएगा, सहसा यहाँ पे देखो कंदुकेन लगेगा, क्या बोले कंदुकेन, कंदुक कंदुकम कंदुकेन, तो यहाँ तृतीय लग जाएगा, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यालय की ओर जाता है, वह क्या बात है, वह विद्यालय की ओर जाता है, क्या लगेगा यहाँ पर, वह विद्यालय की ओर जाता है, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारे घर वाले कहते हैं कि ये तुम पीतांबर क्यों धारण कर लिए हो, सभी लोग देखेंगे भड़क जाएंगे, ये क्यों तुम धारण कर लिए हो, तो हम कहें तो क्या सात्विक होना बुरी बात है, जब से बचपन से हम अभी तक जो है पढ़े सब यही कितने रामायण में गाए रहे, तो क्या बुरी बात है। अच्छा कितने लोगों को पीतांबर अच्छा नहीं लगता है कि गुरु जी जो है इस रूप में बैठे हैं, कितने लोगों को नहीं लगता है, क्या जींस और टी शर्ट और वो सब उड़ाना चाहिए, वही सही है, तो वही हम धारण कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सह विद्यालयम प्रति, यहाँ विद्यालय होना चाहिए, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, कैसे, क्योंकि अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगेपि, तो हाँ प्रति, हाँ प्रति, प्रति जब लग जाएगा ठीक है, तो प्रति क्या हो जाएगा, ठीक है प्रति, जब प्रति शब्द लगा तो इस जिसके प्रति कहेंगे वहां क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो जैसे सह पूर्वदेशम प्रति गच्छति, वह पूर्वदेश की ओर जाता है, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है, ठीक। फिर क्या कर सकते हैं, राधे श्याम बगीचे की ओर जाते हैं, राधे श्याम उद्यानम प्रति गच्छति, ऐसा हो जाए ठीक है, राधे श्याम उद्यानम प्रति गच्छति, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन 30। वह ब्राह्मण को धन दान देता है, कहाँ दान कहाँ पढ़ दिए हम, वह ब्राह्मण को धन देता है, देने के अर्थ में यहाँ पे दान में ही माना जाता है, ठीक है, वह ब्राह्मण को धन देता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह ब्राह्मण को धन देता है, किसको धन देता है, ब्राह्मण को, क्या देता है, धन देता है, जब धन देगे देने वाली काम होगी तो क्या हो जाएगा, जब हमेशा से दे दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, दान के अर्थ में कौन सी भक्ति लगेगी बताओ, वह ब्राह्मण को गाय दान देता है, ऐसा कुछ, तो वहां पे चतुर्थी लगती है, क्या लगती है, चतुर्थी लगती है ना, क्या हो जाएगा, सहविप्राय धनम ददाति, सहविप्राय धनम ददाति। तो यह रहा आपके सामने, यह पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन कर लिया, देखो बहुत ज्यादा अगर हम ट्रेन की तरह दौड़ने लगेंगे ना तब भी नहीं हो पाएगा, हम पढ़ा रहे हैं, और जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर करते हैं, और यहाँ पे क्या है, हमको बताना है ना, हमको तो सबको लेकर के चलना है, हर क्वेश्चन पे एक मिनट दो मिनट बोलते भी रहना है, बताते भी रहना है कि इस पे क्यों हुआ है कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा समय लगता है ना। और आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़े आंसर, ऐसे हम भी पढ़ते हैं तो सीधे आंसर मार के चल चलते हैं, 15-16 मिनट में जो है 300 क्वेश्चन करके राइट कर लेते हैं, तो वो अलग बात है, करना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, और पढ़ना अलग, ठीक है, ए राइट कर दिए, कहां से राइट हो जाएगा जी, सी राइट होगा, यह दिवाली की ओर ध्यान दे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलिए ठीक है अब चलें, पढ़ाएं ज्यादा गुरु जी, गाएं कम पढ़ाएं, नहीं 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 गाएंगे तो ज्यादा,
गाएंगे तो ज्यादा, संस्कृत में वातावरण हमको बनाते रहना है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाड़ो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। हम गाएंगे तो जरूर, गाना है तो संस्कृत में वातावरण का निर्माण कर संस्कृत पैडागॉजी पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि संस्कृत के टीचर को बार बार जो है संस्कृत में वातावरण का निर्माण। और सबसे ध्यान देना, जब संस्कृत शिक्षा की पढ़ाई श्लोक से प्रारंभ होती है, श्लोक के वाचन से, इसीलिए जब भी कभी आप कोई पुस्तक खोलते होंगे तो उसके पहले ही सुभाषितान या फिर वंदना दिया गया होता है ना, कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरण प्रणाम तव चरण प्रणाम। चलिए हम भी चल रहे हैं, ठीक है, तभी के लिए बस इतना ही। सभी लोग प्लीज शेयर जरूर करना, कुछ लोगों को नहीं पसंद है मत पसंद रहे, कौन कहता है संस्कृत पढ़ने को। हम तो पहले ही बताए थे कि हमारे हमारे संस्कृत में बहुत सारी धार्मिक चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, हम ब्रह्मा जी के बारे में बात करेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वो तो हम कहेंगे ही कहेंगे, वो तो हमारा काम है, हम तो पढ़ते जाते। क्लास ओवर हो गई है, ठीक है, कुछ और किसी कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम सेशन को ऑफ करेंगे। हम तो गाएंगे ही गाएंगे, ठीक। अरे बात तो मानो न मानो धर्म आपका, हम तो मास्टर हैं, पढ़ाएंगे, हम तो टीचर हैं, हम तो आचार्य हैं, पढ़ाएंगे, पढ़ा करके जो भी मर्जी रहे, आपको जो मन आए वो करे, ठीक है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ठीक है, एवं मस्तु, कल्याण मस्तु। चलो ठीक है, तो आज बस सेशन इसी पर ऑफ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी नमस्ते, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोग नमस्कार। और आप लोग जब कभी जब बाद में जब क्लास ओपन करते हैं तो कोई एक भी कोई कमेंट नहीं आता है, बस ये जो लाइव चैट चलता है बस यहीं पे। सर ये समास और प्रत्यय नहीं समझ आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, डिटेल क्लास मेरी देख लो, समास की भी देख लो और प्रत्यय की भी देख लो, ठीक है, दोनों गारंटी के साथ करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या सुना के जाएं, जो बोल दो तुरंत सुना के जाएं, अदरवाइज सभी लोग देखो वेट कर रहे हैं, क्या सुना जाए। अब हमको लग रहा है डेली जो है अपना कुछ न कुछ यहाँ पर लेख लिख करके रखना पड़ेगा, ठीक, कुछ एक आध लाइन रखना पड़ेगा, ठीक, हमको लग रहा है कि डेली कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे प्रतिदिन जो है इतना नहीं याद रहता है कुछ न कुछ। मत हमें निराबालक समझो हम हैं भारत के वीर, मत हमें निराबालक समझो हम हैं भारत के वीर, क्या कहाँ अक्ल के कच्चे हैं हम बलवीर हैं बच्चे हैं, विश्वासी सीधे सच्चे हैं अवसर पर चला दिखा देंगे अभिमन्यु जैसा तीर। मत हम मजा नहीं आता है जब तक कुछ न कहें। स्वागत प्यारे बंधु हमारे। क्लास कब होती है एग्जैक्टली, जो क्लास यहाँ पे हो रही है अभी एक घंटे होकर के समाप्त हो रहा है, मेरी और भी डिटेल क्लासेस आपको खोजने पड़ेंगे, मेरा नाम फ्लैश कर रहा है, आप उसके माध्यम से खोज सकते हैं, जिसको पता होगा वो बता सकते हैं, अदरवाइज एक प्लस पेड क्लास जो चलती है उस पर भी मेरी डिटेल क्लासेस चल रही हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पे भी मेरी क्लासेस देखने को मिल रही हैं। और अभी मुझको ये नहीं पता है कि जो बैचेस स्टार्ट हो गई हैं उस वाले में भी पूरी क्लास जो है सबको डेली का डेली लाइव मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मेरे यहाँ से जो है ली जाती हैं, ये हमको नहीं पता है कि वो किस वाले सेशन में जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली वो आप लोग करते होंगे तो पता होगा कि वो किस ऐप में किस तरीके से मिलता है, ठीक है। हालांकि लर्निंग उसका नाम है ई लर्निंग विद दुर्गेश, ठीक है, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिलता है, उसमें भी वो मिल जाती हैं, और कुछ जो पेड क्लासेस हैं वो पेड क्लासेस हैं वो भी वहीं पे मिल जाएंगे,
और जो कुछ और फ्री क्लासेस ढूंढना चाहते हैं आप लोग तो ढूंढ निकाल सकते हैं, सब कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चले बाय बाय, चलिए हम भी चले रहे, ठीक है, नारायण श्री हरि। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।